बुढ़ापे में इबादत इलाही सजदे बहुत बड़ी बात है, लेकिन जवानी में सजदों की तौफीक का मिल जाना, आँखों में आंसुओं का नूर नसीब हो जाना, खशियत इलाही खौफ और अल्लाह का डर, ये बहुत बड़ा इनाम है। तो ये अल्लाह जिसको नसीब कर दे, ये उसकी नेमत है। अल्लाह का खौफ अल्लाह की अता है, अल्लाह की खशियत अल्लाह की तरफ से बंदों को दिया गया इनाम है। अल्लाह जिसकी बेहतरी का इरादा करता है उसे अपनी खशियत का नूर दे देता है, उसे अपना खौफ अता कर देता है, अपने से डरना नसीब कर देता है, तकवे की दौलत दे देता है। और अगर कोई दलेरी से कहे मैं नहीं डरता, या डटाई से गुनाह करे, गुनाह करने के बाद भी कई लोग छाती चौड़ी करते हैं, तो ये अल्लाह की नाराज़गी की दलील है कि गुनाह का मौका मिल जाना और गुनाह के बाद इतराना, सरकशी, तमर्रद और उस पर भी मुसर्रत, तो ये बहुत बड़ी हमाकत और अल्लाह की रहमतों से दूरी की दलील है। और नेकी की तौफीक का मुयस्सर आना और गुनाहों से बच जाना और अल्लाह की खशियत अल्लाह का खौफ सीने में मौजूद रहना, और अगर कभी गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन तौबा कर लेना। मोमिन की शान ये बताई गई है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से है कि जब मोमिन गुनाह कर बैठता है तो वो यूँ महसूस करता है कि पहाड़ तले आ गया, उसके ऊपर यूँ एक बोझ लगता है, जल्दी जल्दी तलाफ़ी करता है, तौबा करता है, रुजू इल्लाह करता है ताकि मुझे माफ़ी मिल जाए। और मुनाफिक की मिसाल यह है, गुनाह करने के बाद यूँ महसूस करता है बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के इशारे से उड़ा दी। और दिन में कितनी मरतबा मक्खियाँ उड़ाता है एक आदमी, सवेर से शाम तक, शाम को उसे शुमार और याद भी नहीं होता कि कितनी मरतबा ये अमल मैंने किया है। तो मैं और आप अपने आप को देख सकते हैं, यहाँ बैठे अपने ज़मीर में उतर के झांक सकते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। हमसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो क्या हमारी ये कैफियत होती है कि हमें यूं लगे कि जिस तरह पहाड़ तले आ गए हैं, या ऐसे कि हमसे गुनाह हो जाए तो हम यूं महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, जिस तरह हल्के इशारे से मक्खी उड़ा दी, बस ऐसे होता है। मैं और आप अपने आप को अपने ज़मीर की अदालत में खड़ा करके देख सकते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। कहीं मुनाफिकाना रवश हमारे तर्ज ज़िंदगी में तो नहीं, या कि वो मोमिनाना शान है कि गुनाह के बाद पहाड़ तले आ जाने की कैफियत महसूस करते हैं और जल्दी जल्दी तलाफ़ी करने की कोशिश करते हैं, बेचैन होते हैं, आँखों से आंसू नहीं थमते और रुजू इल्लाह करते हैं, तबीयत में एक हेजान, बेताबी और पछतावे किसी कैफियत होती है, हमसे ये हो क्या गया, हमारा रब नाराज़ हो गया। तो मैं और आप अपना अंदाज़ा करें और देखें कि हम खड़े कहाँ हैं।